इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है राउंड द न्यूक्लियस, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी है। जैसे कि आपने पीछे ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा था कि कोई रिवॉल्विंग प्लेनेट है सन के चारों तरफ या कोई सैटेलाइट है, तो इट पजेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। पहली एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि ये बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। भले ही घूम रहा हो लेकिन अभी बंधन तो वो है ही, बॉन्डेशन तो है ही। तो इसमें दो तरह की एनर्जी है। पहली एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, और दूसरी क्या है, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी है, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिंपली हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास, वेलोसिटी अभी हमने कितना फाइंड कर रखा है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 4 × 8 हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जूल में है ये एनर्जी, करेक्ट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्चुअली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ना कहकर के हम इसे कौन सी कहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। U पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चलो लिख लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं, जो भी दो चार्ज आप कंसीडर कर रहे हैं। यहां Q1 कितना है, Q1 है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, कितना है प्लस ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, देखो बात बात सिर्फ हाइड्रोजन के लिए चल रही है, और किसी के लिए अभी हम कुछ बात ही नहीं है। Q2 की क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है माइनस ही। तो फिर अब आपका क्या बना, अच्छा R की वैल्यू भी ले लेते हैं, R की वैल्यू हमने पहली फाइंड कर रखी है, R की वैल्यू कितनी फाइंड हो चुकी है हमारी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, Q1 Q2 लिखा पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस ई Q2 माइनस ई होल डिवाइडेड बाय आर। आर को हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊं ना, पाई एम ई स्क्वायर, और अब देखना जरा क्या बनेगा, यू इक्वल्स माइनस ई ई ई टू दी पावर 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बचा एम ई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4, तो एज इट इज रहना है 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू व्हाट,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देखना दोनों के फॉर्मूले एक ही बन रहे हैं, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ रहा है, एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल वही है, एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड में यहाँ 4 है, वहां 8 है ना, तो निगेटिव वाली लार्जर है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसमें आपको ऐड कर देना है कौन सा, निगेटिव ऑफ एम टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपकी जो टोटल एनर्जी बन जाएगी इट इज निगेटिव कितना, एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई नहीं, देखो ये चीज से दुगनी है, ये वाला पूरा फैक्टर निगेटिव वाला फैक्टर इस पॉजिटिव वाले फैक्टर का दुगना है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा, अपॉन में बचेगा। अब यहां सारी की सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे, अच्छा वेरिएबल कौन है यहाँ, यहाँ वेरिएबल है केवल एन, बाकी सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं, कांस्टेंट है, तो इन्हें हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जूल में थी, लेकिन जूल को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहां तो ये क्या है, जूल में है, लेकिन इसमें हमने एक बार और डिवाइड कर दिया किससे, ई से, तो फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या आ गया, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट E1 इक्वल्स कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहां अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर, तब इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा यहां से कौन बता पाएगा कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, तो तीन ऑप्शन आ रहे हैं आप सबके, कुछ जीरो पर एग्री हैं, कुछ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एग्री हैं, और कुछ एग्री हैं कि इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो मैक्सिमम से क्या मतलब है हमें, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी भी हो सकती है। बात समझो जरा ध्यान से, हम फाइंड कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, मतलब जब तक वो एटम है तब तक हम फाइंड कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकलकर चला गया तो हमारी इस कैलकुलेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम कैलकुलेट करा है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ एन एटम। अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम को ही छोड़कर चला जाए तो फिर इस सारी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। अब फिर से बताओ कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम एनर्जी जीरो पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है। अच्छा मिनिमम कितनी पॉसिबल है फिर, -13.6। ओके अब आप बिल्कुल सही समझ गए हैं, तो मिनिमम -13.6 क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू सबसे कम कितनी होगी, एन की वैल्यू सबसे कम 1 होगी, तो फिर कितना, -1। ठीक है, दिस इज द मिनिमम
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एटम, हाइड्रोजन एटम, नहीं रिवॉल्विंग वर्ड यूज ना करूं मैं, इन हाइड्रोजन एटम। रिवॉल्विंग का तो करेगा करेगा रिवॉल्व, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन एन इक्वल्स इंफिनिटी, जब एन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। जब देखो ध्यान से, ये जो एनर्जी है 13.6, दिस इज नेगेटिव एनर्जी, फर्स्ट सेल में है ये, सेकंड में कितनी होगी? चलो पहले हम सेकंड सेल में निकाल लें, E2 कितना हो जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E2 इज इक्वल टू कितना बना? 3.48, लिख दूं? चलो आपके ऊपर है, गलत लिखवाया सही लिखवाया, 3.4 ठीक है, चलो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ क्या कि इस एनर्जी का मीनिंग है क्या? ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस विच कंटेन्स ओनली 1 प्रोटोन, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया n इक्वल्स 1, ये क्या है n इक्वल्स 1 फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल। उसके बाद अगला स्टेबल एनर्जी लेवल कौन सा आता है? ये वाला आता है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और गैप रखना चाहिए था क्योंकि इक्विडिस्टेंस नहीं होते anyway, जो भी है, कल हमने ये सारा डिस्कस कर ही लिया था कि रेडियस कितनी है फिर इसकी, 4 times, ये n इक्वल्स टू है सेकेंड एनर्जी स्टेबल एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन यहां इस जगह रिवॉल्व करने लगे इस ऑर्बिट में फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, तब उसकी एनर्जी कितनी होगी? यहां एनर्जी होगी इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल को छोड़कर सेकेंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर आ जाए, तब इसकी एनर्जी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब ये बताइए कि एनर्जी बढ़ी है या घटी है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आगे बढ़ गई, लेस नेगेटिव का मीनिंग इंक्रीज होना, फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर सबसे कम एनर्जी है, सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर थोड़ा सा एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई बिकॉज इट बिकम्स लेस नेगेटिव। और ये जब थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल पर अगर ये बाय द वे पहुंच गया तो क्या होगा? इसकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बढ़ जाने का मतलब क्या होगा? इट विल बी लेस नेगेटिव। ये आपका कितना क्या बना? n इक्वल्स 3 बना, तो n इक्वल्स 3 पर थर्ड एनर्जी लेवल पर, थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल पर एनर्जी कितनी होगी? -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, कितना आंसर आएगा इसका? -1.51। तो यहां अगर यो थर्ड फर्स्ट सेकंड को भी छोड़कर यहां चला जाए तो अब उसकी टोटल एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ज्यादा बढ़ गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई, और होते 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 कहां तक पहुंच सकता है? इन्फिनिट लेवल पर पहुंच सकता है, तब एनर्जी कितनी होगी? एट इनफाइनाइट ई इन्फिनिटी कितना होगा? -13.6 डिवाइडेड बाय व्हाट? इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब कितनी हो गई? 0। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब की है? जब हम इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं कि इनफाइनाइट लेवल पर है लेकिन अभी भी वो एटम के अंदर है, हालांकि इन्फिनिट लेवल पर पहुंचकर तो एटम से बाहर निकल गया हो, है ना? तो इन्फिनिटी पर होना भी अगर हम कहें कि हाँ अभी अपने एटम का ही एक पार्ट है, तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी।
एटम में से निकलने के बाद अगर ये किसी और दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, किसी और उसमें आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, सॉरी मैग्नेटिक से तो नहीं होता लेकिन किसी और इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो जीरो नहीं रहेगी, अब वो जीरो से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो चुकी अपने न्यूक्लियस को छोड़ने के बाद। इलेक्ट्रॉन ने अपने न्यूक्लियस को छोड़ दिया तो अब इसकी जो बंधन, जो बाउंडेशन था वो टूट गया। याद कीजिए, पहले भी शायद कभी आपको बताया हो कि कभी भी अगर किसी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस इफेक्टिव है तो ओवरऑल पूरे सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती? नेगेटिव होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़कर बाहर निकल गया तो अट्रैक्शन ही खत्म हो गया उसका, तो न्यूक्लियस पर से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो गया। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म होने का मीनिंग क्या हुआ कि अब वो जो निगेटिव वाला फैक्टर था उसकी एनर्जी का, वो खत्म हो गया। एटम को छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है, जैसे कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे तारों के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चलेगा, अब उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसकी एनर्जी निगेटिव भी नहीं होगी, अब उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, समथिंग पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। लेकिन हम जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं ये तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, जब तक वो एटम का पार्ट है तब तक की बातें हैं सारी। ये एटम को छोड़ देने के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कितनी एनर्जी होगी, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझिए बात। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम कितनी है? जीरो। एक बार और याद रखिएगा, ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम के अंदर है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी, दोनों में से किसी की भी, उससे भी कम होगी। और जो हायर एलिमेंट्स हैं उनकी तो बहुत ही कम होगी। जितना बड़ा होता रहेगा न्यूक्लियस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा निगेटिव होता रहेगा निगेटिव फैक्टर, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी घटती चली जाएगी। लेकिन ये -13.6 सिंपल सी बात है हाइड्रोजन एटम के लिए है, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कहते हैं पूरे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, लेकिन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही है क्या? तो हम ये कहेंगे कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है। स्टेबल कंडीशन में एक आइसोलेटेड, अनस्टेबल भी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, आइसोलेटेड, अगर एक हाइड्रोजन एटम बिल्कुल आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड वर्ड याद रखिएगा, मतलब एक, अगर आपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है किसी कंटेनर के अंदर, उस हाइड्रोजन गैस के एटम्स की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी, उस हाइड्रोजन एटम की भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आसपास के दूसरे एटम्स के इन्फ्लुएंस में है और प्लस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में है। हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में क्या है, हाइड्रोजन दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर स्टेट में भी बात नहीं है, ये किस स्टेट की बात है? आइसोलेटेड स्टेट, मतलब एक हाइड्रोजन एटम आपने पकड़ के बाहर निकाल लिया हाइड्रोजन गैस में से, सिर्फ एक उसका जो उसके साथ जो उसका दूसरा पार्टिसिपेंट आ रहा था उसको भी तोड़ के फेंक दिया। हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता कभी भी, दो एटम मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में रहती है, उस मॉलिक्यूलर स्टेट में से भी एक को तोड़कर फेंक दिया आपने, अब आपके पास एक एटम है और पूरे यूनिवर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ना तो ये किसी से इफेक्टेड है और ना ये किसी और पर इफेक्ट कर रहा है, ना तो
इसका इंटरेक्शन है आसपास से पूरे यूनिवर्स से ना किसी और का इंटरेक्शन है, इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब है ये? ये नॉर्मल स्टेट में है, जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन बाय द वे किसी कारण से सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला जाए, तो अभी से इस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर ही बात ये? कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम इज इन इट्स इज मोस्ट स्टेबल स्टेट व्हेन इट्स टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, मिनिमम पॉसिबल। अगर मिनिमम पॉसिबल जीरो है तो जीरो, और अगर जीरो से भी नीचे पॉसिबल है तो जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट में है तब वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेबल होता है। तो अगर अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो गई, समझ रहे हो? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। कैसी है ये? नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव है। अब मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो गई, तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी? पॉजिटिव हो जाएगी। फिर तो स्टेबल ही नहीं रह सकता। इट इज नॉट द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे निगेटिव हो जाएगी भाई? आप जब वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आना है, चाहे वेलोसिटी वो पॉजिटिव एक्सिस पर निगेटिव एक्सिस पर हो। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भाई, ये चल रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और नहीं चल रहा तो नहीं है। अब नहीं चलने से भी नीचे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या इसका मोशन होगा? हाँ, हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा कैसे हो जाएगी? अच्छा, आप इन मैग्नीट्यूड देख रहे हो। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसलिए आप ये कह रहे हो क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए वो टोटल वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं इसकी। कभी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। अगर इक्वल भी हो गई ना तो भी छोड़ के भाग जाएगा, तो भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाएगा। बाउंड क्यों रहेगा वो? बाउंड तो बाउंड का मतलब है निगेटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी निगेटिव, तभी तो बाउंड रह सकता है। अगर टोटल एनर्जी ही निगेटिव नहीं, टोटल एनर्जी ही अगर जीरो हो गई तो क्या होगा? भाग के चला जाएगा। सीधी सी बात यह है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, भगा देना चाहते हैं, तो क्या कर दो? किसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की, इस एटम की एनर्जी बढ़ा करके जीरो कर दो, है ना? जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसे बढ़ाकर क्या कर दो? जीरो कर दो। अगर आप पॉजिटिव कर पाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव ना भी कर पाए, अगर आप टोटल एनर्जी जीरो भी कर देते हैं तो क्या होगा? एनर्जी निगेटिव से जीरो पर आ गई। निगेटिव का मतलब है अट्रैक्शन, जीरो का मतलब है नो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो हाइड्रोजन एटम की, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुई इतनी बात? ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, वो भी आइसोलेटेड स्टेट में। अगर हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, मॉलिकुलर स्टेट में है, तो भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इससे भी कम होती, फिर इससे भी कम हो जाती है। लेकिन हम जितनी भी कंडीशंस पढ़ रहे हैं ये सब आइसोलेटेड एटम के लिए कर रहे हैं, सबके सब आइसोलेटेड के लिए। अगर आइसोलेटेड नहीं है तो और 10 चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि किस किस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। आइसोलेटेड है तो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है, अकेला है, इंडिविजुअल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से
एक डायग्राम निकल कर आता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे कि हमने यहां अभी कैलकुलेट किया, सारी मैं कैलकुलेशंस एक साथ लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सारे एनर्जी लेवल लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, सेकेंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला जाए, तो कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल पर, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बाय द वे चला जाए फोर्थ स्टेबल एनर्जी लेवल पर, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल पर चला जाए तो कितना चला जाएगा फिर ये? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर सिक्स पर चला जाए तो कितना चला जाएगा? -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इंफिनिटी वाले पर चला जाए तो कितनी होगी? जीरो। अब इन सारे एनर्जी लेवल्स को जीरो पॉइंट थ्री एट है ये सिक्स वाले पर। तो अगर हम ये सारा का सारा एक ग्राफ में ड्रॉ कर लें, तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम कहेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम कहेंगे उसे, ठीक है। तो इसे ग्राफ कैसे बनाते हैं? इस ग्राफ पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है। ग्राफ आपको बना हुआ होता है, उस ग्राफ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। बनाने के लिए तो खैर कम आता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाकर दिया जाता है और उस ग्राफ पर फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले जो पहला एनर्जी लेवल है, कौन सा है पहला एनर्जी लेवल हमारा? फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये E1 कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एक बात देखो जरा ध्यान से, E1 और E2 के बीच में कितना डिफरेंस है? -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है ये, समझ रहे हो? मैं डिफरेंस भी यहां लिखता चलता हूं। देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? माइनस नहीं लगा रहा मैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इनके बीच कितना डिफरेंस है? 1.89, पक्का 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है बताओ? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखना जरा, इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 0. देखो ध्यान से, इनके बीच का जो गैप है वो घटता चला जा रहा है, गैप लगातार घटता चला जा रहा है ना। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप लेना है। अगर हम इसको स्केल से बनाए, अक्सर मैं इसे स्केल से ही बनवाता हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ले लेते हैं टू द स्केल अगर हम इसे बनाए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, मुझे यहां नीचे लेना पड़ेगा काफी, ये आपने बनाया फर्स्ट एनर्जी लेवल n=1 और एनर्जी कितनी है यहां पर? एनर्जी आपकी E1 है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब E=2 मुझे बनाना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पर? 10.2। तो ए यहां से देखो, ये स्केल से मैं लूंगा, ए ये आया 10.2 है ना, 10.2 पर मैंने रखा। तो अब मेरा जहां भी मेरा जीरो जा रहा है, जहां ये मेरा जीरो जा रहा है, यहां पर बनेगा मेरा कौन सा? ये बन गया आपका n=2 और E2 कितना है? E2 है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले वाले का गैप कितना बन गया था? अगले वाले का गैप कितना बना था? नेक्स्ट लेवल का गैप था कितना? 1.89 यानी के 2 सेंटीमीटर से कम है ना, 2 सेंटीमीटर से जरा सा कम। तो मुझे इसके ऊपर 1.89 का मतलब 1.99 ही हो गया ना लगभग,
फिर मुझे अगली लाइन यहां ड्रॉ करनी होगी, तभी वो पता लग पाएगा कि एक दूसरे से इनका एनर्जी गैप किस हिसाब से चल रहा है। एन इक्वस थ्री और ई थ्री कितना हो गया है, कितना -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट टू लेवल्स के बीच कितना गैप है, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी के आधा सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। तो अब मुझे अगला लेवल कहाँ लेना पड़ेगा, ये आया 6.66 मैंने अपने हिसाब से ले लिया आइडिया से ये। और यहाँ क्या बनेगा, ये यहाँ बनेगा एन इक्वस फोर और एनर्जी कितनी बन गई आपके -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में कितना आएगा एनर्जी का गैप, 0.31 यानी जस्ट 3 mm, जस्ट 3 mm, और उसके बाद में जस्ट 1 mm, 1.5 mm है ना। तो अगला मुझे लेवल यहां से लेना है जस्ट 3 mm पर, ये रहा जस्ट 3 mm, दिस इज n इक्वल्स 4 ओ सॉरी 5, n इक्वल्स 5 और e5 कितना है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे जस्ट 1 mm या 1.5 mm, 1.5 mm ये रहा यहां तक कितना बनता है, दिस इज व्हाट n इक्वल्स 6 ओके। और ये कितना बनेगा, 0 -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद देखिएगा एकदम से फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इतने पास पास हो जाएंगे कि हम इससे कम बना नहीं सकते। फिर इन्फिनिटी वाला हमने लेना, इन्फिनिटी वाला कहां से लेना देखना था ध्यान से, जहां हमने E1 ड्रॉ करा था, E1 से और इन्फिनिटी वाले से कितना डिफरेंस है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो मुझे यहां से पहले वाले से ही यहां से मुझे लेना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं 13.6 पर इसे रख देता हूं, आ जाए 13.6 पर ये। और अब ये जहां भी पहुंच रहा है देखना, बिल्कुल वही का वही पहुंच गया जहां हमने वो लाइन बनाई थी, ये बस यही 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 इसी के बराबर में बस बन जाएगा, इतना कम गैप बन गया कि हम बना भी नहीं सकते इसको आगे। ये आपका हो गया एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ आपकी हो जानी है। और ये पूरा जो डायग्राम आपका कहलाता है, ये पूरा डायग्राम कहलाता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। अक्सर हम इसको जो है टू द स्केल नहीं बनाते, हम इसको टू द स्केल नहीं बनाते और सीधे सीधे ऐसी ऐसी लाइंस बना देते हैं। बस ध्यान ये रखना कि लगातार इनके बीच का गैप कम होते रहना चाहिए, अक्सर टू द स्केल नहीं बनाया जाता है डायग्राम, ऐसे बना देते हैं। ये आपका n इक्वल्स 1 हो गया, ये n इक्वल्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर यहां डॉट 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 लगा करके हम इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है।